हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ था और जो किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक फ्रॉड केस हुआ था। फ़ोन पे से और गूगल पे से आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, बट जब मेरे साथ हुआ था तो मुझे लगा कि क्या हो गया मेरे साथ और ऐसा कैसे हो सकता मेरे साथ। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ये इंसिडेंट स्टार्ट कैसे हुआ था। मैंने एक और भी वीडियो बनाया था इसके पहले फ़ोन पे के ऊपर, उसमें मेरे 1000 स्टक हो गए थे। देन सो मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे कि मैं मेरे 1000 को कैसे रिडीम कर पाऊँ। सो वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है कि हम इन्फॉर्म कर सकते मैसेज के थ्रू कि ऐसा ऐसा इशू है और मैं अपनी जो 1000 है उसमें कैसे रिडीम करूँ। तो वहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन था फ़ोन पे पे, तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया था, बट वहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। बहुत टाइम के बाद मुझे एक कॉल आया और उस बंदे ने बोला कि मैं फ़ोन पे की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन पे का जो अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम था ना। सो अब कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि जो मैंने जो इशू वहाँ पर बताया था और वहाँ पर लिखा भी हुआ था कि हमारे एजेंट तुमको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मुझे लगा जस्ट वो वही है। सो मैंने उसे बताया कि हाँ ऐसा हुआ था, तो मैं अपने पैसे कैसे रिडीम कर सकती हूँ। सो शायद मेरी ये गलती है, मुझे उसको नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि उसने बस ये बोला ना कि मैं फ़ोन पे से कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने उसे ऑटोमेटिकली ये बता दिया कि 1000 मेरे स्टक हो गए थे, मैंने खुद से बता दिया। तो ये मेरी गलती है, मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट ये मेरी इसलिए गलती है क्योंकि मैंने पहला कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था। मुझे लगा आप फ़ोन पे से बोल रहा है तो वहीं से होगा ना, ऐसे कैसे कोई कॉल करेगा। उसने ना इतना फ़ायदा उठाया ना मेरे, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होता है ना तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस होता है। तो मेरे केस में ये हुआ कि मैं गई तो थी, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वहाँ पे मेरे पास अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। लेकिन उसने ना हर तरह से पैसे लूटने का ट्राई किया मेरी साइड से और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करके रखी है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये योर फर्स्ट UPI पेमेंट कैन ओनली बी मैक्सिमम ऑफ 5000, ट्राई अगेन विद अ स्मॉलर अमाउंट। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कुछ मिनिमम अमाउंट बोला था, मतलब इंसिडेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने उसको सामने से ही बता दिया, ये मेरी गलती थी, मेरे को पता नहीं था। तो उसने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, उसने बोला कि हाँ मैडम, मैं आपको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मुझे लगा कंपनी की तरफ से बोल रहा तो क्यों झूठ बोलेगा। तो उसने मेरे आधार कार्ड मांगे, बैंक अकाउंट का डिटेल मांग रहा था, तो इतना तो मेरे को पता था कि ये सारे डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो मैंने उस टाइम पर उसको साफ साफ मना कर दिया, मैंने बोला कि आप अपनी साइड से कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो रहने तो मुझे नहीं चाहिए मेरा 1000। तो वो इतनी सॉफ्टली, इतना पेशेंस के साथ बोल रहा ना, अरे मैडम आप करो तो हो जाएगा, ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, आपके पास फ़ोन पे होगा तो फ़ोन पे मैं स्टेप प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको मैं लिंक शेयर करूँगा, एक लिंक आया होगा आपको, और उस लिंक पे जा करके आपको वो स्टेप फॉलो करना, आपको 1000 मिल जाएंगे, आपके 1000 जो भी अटके हुए वहाँ पे रिडीम हो जाएंगे। तो ये सारे जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑगमेंट गोल्ड, फ्री चार्ज, ये जियो प्रिपेड तो मेरा है, सो ऑगमेंट गोल्ड ये जो नाम दिख रहा है आपको, एंड फ्री चार्ज, इसने मेरे से ट्राई किए थे पैसे लेने के, 7999, 8034 ऐसा कुछ तो यहाँ पे अमाउंट है जी। सो ये अमाउंट मैं एक्सेप्ट करूँगी कि मैं यहाँ पे कितनी बड़ी पागल थी। मुझे सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये हुई कि मैं नई यूज़र थी फ़ोन पे की और गूगल पे की, जस्ट मैंने वो ऐप इंस्टॉल ही किया था, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था उस पैसे को मैं रिडीम कैसे करूँ। और उसने इस बात का ना इतना फ़ायदा उठाया कि उसने मेरे से पैसे लूट भी लिए। तो मुझे एक छोटा सा डिफरेंस पता नहीं चल पाया कि मैं उसे पैसे दे रही हूँ या फिर वो मुझसे पैसे ले रहा है। उसमें क्या था, मुझे क्या लगा, वो बोल रहा था कि ये ट्राई करो, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। मैंने सोचा कि अगर पैसे कोई भेज रहा है सामने से तो क्यों ना ट्राई कर लूँ, तो जस्ट ट्राई किया, और मुझे वो जो पैसे भेज रहा हूँ बोल रहा था ना, वो पैसे भेज नहीं रहा था, वो पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा था।
और अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रही थी तो वो बोल रहा था कि मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, प्ले स्टोर पर जाकर के उसको इंस्टॉल करिए। मुझे फ़िलहाल उस ऐप का नाम नहीं पता, तो मैंने वो ऐप भी इंस्टॉल किया क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो मैं उसे मतलब प्रॉपर वो पेमेंट उसको हो नहीं रहा था। बट मैं यहाँ पे ये सोच के खुश हो रही थी कि हाँ मेरे पैसे ये वापस दे रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि ये 7999 क्यों मेरे को पे कर मतलब क्यों यहाँ पे टाइप करवा रहा है या फिर इतना क्यों करवा रहा है। तो वो बोल रहा था सामने से कि ये जो पैसे हैं ये मेरे अकाउंट से आपको जाएंगे, बस ये चेक कर रहा हूँ मैं कि आपके वहाँ पे अकाउंट में पैसे जा रहे या नहीं जा रहे। और मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी बड़ी पागल स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ कि मुझे इतना डिफरेंस नहीं पता था कि वो मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं या फिर मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मुझे लगा हाँ चेक कर रहा है, बाद में अपना ये सेटलमेंट कर लेगा, फ़िलहाल मेरे को मेरे 1000 दे देगा उसमें से। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे बस इतना इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि ये जो आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये उस फ्रॉड के डिटेल्स हैं। फ़िलहाल ये तो मेरा अकाउंट है, मेरी अकाउंट है जिससे वो ट्राई कर रहा था कि पेमेंट हो जाए, बट यहाँ से हुआ नहीं। एंड उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी कि कैसे कैसे उसने ट्राई किए पैसे निकालने के। ऑगमेंट गोल ये गूगल पे से ट्राई कर रहा था, उसने मुझे लिंक सेंड किए थे, उसके थ्रू ये पेमेंट गया था। लिंक का मुझे आइडिया नहीं था कि कोई लिंक शेयर करके भी पैसे ले सकता है, तो वहाँ पे मैं फंस गई। और लिंक से भी नहीं जा रहा था, तो उसने इनफैक्ट उसका बैंक अकाउंट का नंबर भी दिया मुझे। बैंक अकाउंट का नंबर आप देख सकते हो, उसका नंबर है ये 812757। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसने मुझे अपना बैंक अकाउंट का नंबर भी दिया था और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था 8127569521। यहाँ पे दिखा रहा है कि उसका लोकेशन ये बैंक जो है पेमेंट पेटीएम बैंक लिमिटेड, ये कहाँ पे है, नोएडा ब्रांच में है। अकाउंट नंबर दिया था वो फ़िलहाल अभी दिख नहीं रहा है। वो हर तरह से ट्राई कर रहा था कि पैसे उसको कैसे मिल जाए। सो ये सारी डिटेल्स हैं। अब मेरे पैसे तो चले गए, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। पैसे जाने के बाद में भी उसने मेरे को कई हफ्तों तक कॉल किया। सो मैंने उससे कुछ धमकी दी कि पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी ऐसा वैसा, तो उसके बाद से उसने कॉल करना बंद कर दिया। ये मैंने कंप्लेंट भी लिखाई थी लेटर लिख करके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑनलाइन फ़ोन पे फ्रॉड ऑफ 7999834 थ्रू द लिंक। ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दिए यहाँ पे कि मैं इस बैंक की कस्टमर हूँ, मेरे साथ इतने इतने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, और मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन किया है कि मुझे वहाँ 2 कॉल आए थे फ्रॉड कॉल। नंबर भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 9546672730। उसका नाम ट्रू कॉलर पे शो हो रहा था मुझे, बिहार एंड एयरटेल कस्टमर, फ़ोन पे फ्रॉम दिखा रहा था। सेकेंड कस्टमर का यहाँ पे मुझे दिखा रहा था ट्रू कॉलर पे दीपक कुमार एंड एरिया कोलकाता दिखा रहा था उसे। मुझे एक ही दिन पे 2 कॉल आ रहे थे फ़ोन पे भूल करके। सो एक के थ्रू तो मेरा ये फ्रॉड हो गया, एंड सेकेंड बंदा भी मुझे बार बार कॉल कर रहा था उसके लिए। सो जब घर वालों को पता चला तो उन लोगों ने मुझे कुछ गालियाँ वालियाँ दी, बट कुछ नहीं हो पाया। मैंने पूरा ट्राई किया, पुलिस के पास भी गई, बैंक के पास भी गई। 3 दिन का उनका टाइम होता है कि 3 दिन में आप इन्फॉर्म कर दो बैंक को तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे गलती शायद मेरी थी, या फिर आई डोंट थिंक अगर गलती मेरी होती भी नहीं तो भी वो पैसे देते। मैंने बैंक वालों को 2-3 हफ्ते तक कॉल करके परेशान किया, पूछा कि मेरे पैसे मेरे को कब तक रिटर्न मिल जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हमने रिमाइंडर सेंड कर दिया है, हो जाएगा। उसके बाद तो मेरे कॉल से नहीं उठाए, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो लिटरली ये बताना चाहूँगी कि एक बार आपके साथ फ्रॉड हो गया ना तो कोई हेल्प नहीं करता। सो ये दीपक कुमार जब उसने कॉल कर रहा था, मेरे पास ट्रू कॉलर था, नाम ये शो हो रहा था, आप देख सकते हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर। सो अगर आपको भी ऐसा कुछ कॉल आया तो प्लीज़ ऐसा मेरी तरह एटलीस्ट मत फंसिएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे ट्रांजेक्शन्स ने ट्राई की, और मैं इतनी बड़ी पागल थी कि वो जो जो बोलते गया मैं करती गई। यस, सो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जा कर के बैंक को भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। एक कंप्लेन नंबर जनरेट हुआ था, ये कंप्लेन नंबर जनरेट हुआ जो मैंने बैंक के पास जा कर के, जो बैंक कंप्लेन डिपार्टमेंट हैंडल करती है, कुछ रावत नाम है उस मैडम का, मैंने उनको भी बहुत कुछ बोला, बट कहीं से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। सो आप ये लेटर प्रॉपर देख सकते हो अगर आपको कुछ भी इशू है।
तो आप जूम करके भी देख सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन बस ये था कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी ना हो। आप ये नंबर प्रॉपर देख लीजिए, क्योंकि ये अभी भी किसी ना किसी को और भी बकरा बना रहे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस मुझे इन्फॉर्म करना था आप लोगों को भी, जो मेरे साथ हुआ आप लोग के साथ भी ना हो। थैंक यू।